आपको एक ऐसे तकनीक से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो व्यक्ति के मरने के कई साल बाद जिंदा करने का रहस्य छिपाए हुए है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मौत आज की तारीख में हुई है तो उसे आज से 10 साल बाद भी जिंदा किया जा सकता है। अब ये कैसे और किस तरह, ये हम आपको आगे बताएंगे या समझाएंगे। दरअसल चिकित्सा विज्ञान की मदद से व्यक्ति को दोबारा कई साल बाद भी जिंदा करने की संभावना जताई जा रही है और इस संभावना को धरातल पर उतारने के लिए मानव का शरीर क्रायोनिक्स तकनीक के द्वारा सुरक्षित रखा गया है ताकि मानव अपनी मौत के कुछ साल बाद फिर से जिंदा हो सके। फिलहाल यहाँ वैज्ञानिकों का असल मकसद मानव को फिर से जिंदा करना नहीं बल्कि मौत के बाद शरीर को कई दशकों बाद भी सुरक्षित रखना है। यानी यदि किसी तरह से शरीर को हानि पहुंचने से बचाया भी जा सके तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मानव को अन्य जीवों के जैसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये तकनीक असल में क्या है। दरअसल इस तकनीक को विज्ञान की भाषा में क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। इसके तहत मृत शरीर को -0 डिग्री से -150 डिग्री में संरक्षित किया जाता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है जिसका हिंदी में अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा। फिलहाल साइंस अभी इतना विकसित नहीं हो पाया कि वो इस तकनीक के जरिए मृत शरीर को पुनर्जीवित कर सके, लेकिन इसके बावजूद अब तक 3 बड़ी साइंस कंपनियों के जरिए 350 लोगों को क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए हिमीकृत करने की सफल प्रयास करने वाला है। यानी 350 लोग इस डील को साइन कर चुके हैं। उनके मरने के बाद उनके शरीर का क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए -150 डिग्री सेल्सियस में हिम में दफनाया जाए ताकि उनके फिर से जिंदा होने की संभावना बन सके। इस तकनीक में व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके शरीर को अंतिम संस्कार के बजाय कंपनी में लाया जाता है। इसके बाद उसके शव को बाहरी बर्फ के पैकेटों की सहायता से ठंडा करके पहले से तय संरक्षण केंद्र तक पहुंचाया जाता है। मौत के बाद जितनी जल्दी हो सके शव को ठंडा कर जमाना पहली प्राथमिकता हुआ करती ताकि शव की कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क की कोशिकाएं, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर खराब न हो सके। तो वहीं इस प्रक्रिया में शरीर के अंगों के बचाव के लिए उसके हिमीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। रक्त निकालने के बाद शरीर में धमनियों के जरिए हिमीकरण रोधी द्रव डाल दिया जाता है। फिर शव की खोपड़ी में छोटे छोटे छेद हो जाया करते हैं। शरीर में जो हिमीकरण रोधी द्रव डाला जाता है उसे क्रायो प्रोटेक्टेंट तरल कहते हैं। कंपनी कहती है कि ऐसा करने से अंगों में बर्फ नहीं जमती। अगर शरीर में बर्फ जम गई तो कोशिकाओं की दीवार नष्ट हो जाएगी और शरीर संरक्षित होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी तक अमेरिका में 150 से अधिक लोगों ने अपने मृत शरीर को तरल नाइट्रोजन से ठंडा कर रखवाया। पूरे शरीर को हिमीकरण के जरिए जमा कर सुरक्षित रखने में करीब $1,60,000 भी खर्च किया गया है। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि इस तकनीक का विचार कैसे और किस तरह आया। दरअसल 2011 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट एंटीगन ने अपनी मां के शरीर को भविष्य में पुनर्जीवित की आशा से संरक्षित करवाया था। उनकी संकल्पना है कि हिम जीवों के साथ साथ मानव भी क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए फिर से जीवन पा सकता है। रॉबर्ट एंटीगन ने अपने दोनों पत्नियों की मौत के बाद उनके शव को भी हिमीकृत करवाया और रॉबर्ट एंटीगन ने अपने खुद की मौत के बाद भी इसी तरह अपना शरीर हिमीकृत करवाया। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तकनीक के द्वारा इंसानों को जिंदा करना संभव हो पाएगा?